वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 214 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आज डेट है 26 फरवरी 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 जून को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित था? कनिष्क, हुविष्क, वसुदेव या फिर मिनंडर? कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित था? मिनंडर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, हिंद यवन शासक मिनंडर जो है वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था। मिनंडर और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में है। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं इन दोनों की वार्ता किस में है। मिलिंद पन्हों। पुणे ताम्रपत्र लेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कुमार देवी, स्कंदगुप्त, ईशान बर्मन या फिर प्रभावती गुप्त? पुणे ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पुणे ताम्रपत्र लेख का संबंध जो है वो प्रभावती गुप्त से है। यह अभिलेख बाकटक वंश के इतिहास की जानकारी हेतु एक महत्वपूर्ण लेख है। कौन सा? पुणे ताम्रपत्र लेख। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप से अंकन सबसे पहले किसके सिक्कों पर मिलता है? बताइए, किसके सिक्कों पर मिलता है? विम कडफिशस, ऑप्शन नंबर ए। तो विम कडफिशस के सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। इससे उसका शैव मतानुयायी होना भी सूचित होता है। उसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, विम कडफिशस ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, तांबे के चलाए, चांदी के चलाए, सोने के चलाए, शीशे के किसने चलाए? गुप्तों ने, सातवाहन ने, कुषाणों ने या फिर मौखरी ने? किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी। तो दिए गए विकल्पों में सातवाहन शासकों के शासनकाल में शासकों ने जो है शीशे के सिक्के चलाए। हिंद यवन शासक स्ट्रेटो द्वितीय ने भी शीशे के सिक्के चलाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, जेतवन विहार श्रावस्ती में स्थित था। बताइए, जेतवन विहार श्रावस्ती में स्थित था, करेक्ट है। महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो है वो कौशल राज्य से हुए थे और यहाँ की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिए। जेतवन विहार श्रावस्ती में स्थित था, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, पूछ लेते हैं, श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सार्थवा शब्द प्रयुक्त हुआ है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में? सार्थवा शब्द जो है वो प्रयुक्त हुआ है, बताइए, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, मथुरा स्तंभ लेख में या फिर मन कुमार स्तंभ लेख या फिर दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में? दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख, ऑप्शन नंबर डी, सार्थवाह। तो गुप्तकालीन दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में, अभिलेख से जो है इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नगर प्रशासन में श्रेणी सार्थवाह की भूमि का प्रचलन गुप्तकाल एवं प्रतिहार काल में था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्षवर्धन के शासन के समय बल्लवी का राजा निम्नलिखित में से कौन था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और हर्ष के शासन के समय बल्लवी का राजा कौन था? बताइए, ध्रुवसेन द्वितीय, शशांक, भास्कर वर्मन या फिर पुलकेशियन द्वितीय? बल्लवी का राजा कौन था हर्षवर्धन के शासनकाल में? ध्रुवसेन द्वितीय। तो बल्लवी का राज जो है आधुनिक गुजरात प्रांत में स्थित था और वहाँ का शासक ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ध्रुव धारा वर्ष का संबंध राष्ट्रकूट से था। फिर से सुन लीजिएगा, ध्रुव धारा वर्ष का संबंध राष्ट्रकूट से था। ध्रुव धारा वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। राष्ट्रकूट है, कोई और है? करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सी है। तो देखिए, ध्रुव धारा वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ध्रुव धारा वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है।
देखिए इसने किया क्या, कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट शासक ने धर्मपाल और वत्सराज को पराजित किया था। वत्सराज प्रतिहार नरेश था और धारावर्ष धर्मपाल जो है पाल नरेश। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम नहीं था, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का निर्माण का जो उपयोग है वो हुआ है, किसका? बलुआ पत्थर का और ग्रेनाइट का। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी? देखिए मत्त विलास विचित्र चित्त ये उपाधियां थी महेंद्र वर्मन प्रथम की, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो सिंह विष्णु का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक था। उसने विचित्र चित्त मत्त विलास और गुणभर जैसी उपाधियां जो हैं वो ग्रहण की थी। नंबर 11 है, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में किसने की? विजयालय, विजयालय ने। तो चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में विजयालय ने की थी। पल्लवों तथा पांडवों के निरंतर संघर्ष की स्थिति में पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया तथा लगभग 871 ईस्वी तक उसने जो है राज्य किया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करने वाला कौन था? राजधिराज प्रथम। कौन था? राजाधिराज प्रथम। तो राजाधिराज प्रथम ने चालुक्यों पर विजय के उपरांत उनकी राजधानी कल्याणी को लूट लिया और वहां अपना वीराभिषेक किया और विजय राजेंद्र की उपाधि जो है उसने धारण की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट रचना है तहकीक ए हिंद का लेखक कौन है बताइए? तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी, सुलेमान, अल मसूदी या उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसे कि जियाउद्दीन बरनी हो सकता है या अमीर खुसरो हो सकता है या अबुल फजल हो सकता है। तहकीक ए हिंद यह है अलबरूनी की रचना। तो अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक अरबी भाषा में एक पुस्तक की रचना की। अलबरूनी प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी को इतिहास के अतिरिक्त विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित आदि का भी ज्ञान था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। ठीक है, सत्य पूछा है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार नहीं था, वरन उसको खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्क शक्ति, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म आदि विषयों का भी ज्ञान था। उसने अपनी रचना तहकीक ए हिंद में जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण के तथ्यों को उद्धृत किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कौन सी पोशाक पहननी पड़ती थी बताइए? सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी लाल पोशाक, काली पोशाक, सफ़ेद पोशाक या हरी पोशाक। चलिए काली पोशाक को एलिमिनेट करते हैं, बताइए कौन सी पोशाक। हरी भी एलिमिनेट हो गई, बताइए कौन सी, सफ़ेद या लाल? सफ़ेद या लाल, लाल पोशाक, ऑप्शन नंबर ए। तो सुल्तान इल्तुतमिश जो अपनी राजधानी ले गया था दिल्ली, सुल्तान इल्तुतमिश के काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल पोशाक धारण करना पड़ता था। रजिया सुल्तान जो इसकी पुत्री थी उसने भी उत्तराधिकार के विषय में लाल कपड़े को धारण कर दिल्ली की आम जनता के बीच न्याय हेतु गुहार लगाई थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे मध्यकालीन भारत के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।